एक्सप्लेन करो और कटिंग करते जाओ, जैकेट्स का, वुमेन जैकेट का एक्सप्लेन करते जाओ और कटिंग करते जाओ। सरिता विजिबल हुआ? मैम हाँ दीदी, मैम जी टू एच कौन सा है? ओके मैं राइटिंग डाउन कर देती हूँ, ठीक है, यस मैम, ज्यादा इजी रहेगा। यस मैम, ए ए टू बी फुल लेंथ, ठीक है, ए टू सी अक्रॉस शोल्डर, सी टू डी आर्म होल, ठीक है, ई टू एफ चेस्ट लाइन, ठीक, जी टू एच वेस्ट लाइन, ठीक है, उसके बाद आते हैं हिप लाइन में, बी टू आई इज हिप लाइन, ठीक है, क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन? एनी डाउट? मैम नेक लाइन, मैम नेक लाइन, हाँ नेक, अभी इतना तो लिख लो, हो गया, बाकी को लिखने दो, ठीक है, सारा कर दिया। कार्टून स्पीकर ऑफ करना, बोलूंगी मैम। हाँ दीदी बोलो। यस मैम, पहली बार, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। एक काम करो, बंगाली में बोलो, ठीक है? ओके, ए टू बी कॉन्स्टेंट, बी फुल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और ए टू सी शोल्डर अक्रॉस 3.5 सेंटीमीटर, थ्री टू सी टू डी आर्म होल 3.5 सेंटीमीटर, ई टू एफ चेस्ट लाइन 3.5 सेंटीमीटर, नाउ ई टू एफ 6 पॉइंट, आदिति यहाँ पे हमने चेंजिंग किया है, अदिति यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, ई टू डी आएगा, ई टू डी, सॉरी ई टू एफ, ई टू एफ 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, देन 3.5 सेंटीमीटर डाउन वेस्ट लाइन, जी टू एच, हाँ जी टू एच वेस्ट लाइन
5 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हाँ 5 सेंटीमीटर देन 3.5 सेंटीमीटर डाउन हिप लाइन आई टू बी 6.5 सेंटीमीटर हाँ ठीक है और आगे बढ़ते हैं सारे स्टूडेंट देखो स्क्रीन की तरफ टेक द वन स्ट्रेट लाइन ए टू जे फॉर द नेक लाइन द साइज इज 1.5 सेंटीमीटर गो डाउन जे टू के 2 सेंटीमीटर फॉर द फ्रंट पैनल नेक लाइन देन ज्वाइन द लाइन चलो अब कटिंग करो फटाफट देखो कटिंग होने के बाद तुम्हारा इस तरह से दिखना चाहिए दिस इज द बैक पैनल ठीक है दिस इज द फ्रंट पैनल एंड वी नेक दिया इसमें हमने ठीक है एंड टेक द स्ट्रिप लाइंस इस तरह से जो कि साइज होगा आपका ये है 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और ये है आपकी 8 सेंटीमीटर जितना आपका फ्रंट में पाइपिंग लगेगी ठीक है ये नाप लेना फुल लेंथ हमने कितना दिया है उस हिसाब से ये आपकी कटिंग होगी और जॉइंट करने का मेथड पहले देख लो कटिंग आई थिंक आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से जॉइंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट टेक द स्ट्रिप लाइन एंड आप इसको पहले जोड़ोगे अच्छे से ताकि शोल्डर की फिनिशिंग अच्छे से आए पहले फिनिशिंग आपको देना फ्रंट वाला जैकेट का ठीक है इस तरह से क्लियर है समझ में आ रहा है ठीक है इस तरह से ठीक है ये फिनिशिंग दे दिए पट्टी लगा के जैकेट की उसके बाद आपने क्या करना है आपको लेना है टक्स जो पहले वाले हमने बताया था ना टक्स लगाना पहले वाले पैटर्न में सेम उसी पैटर्न में टक्स देना है दोबारा एक ही चीज को बार बार नहीं बताऊंगी क्लियर है सबने टक्स लगाया था ना फ्रंट पैनल पे हाँ ये देखो इसमें मार्किंग है पैनल की ठीक है फिर उसके बाद आप क्या करेंगे टक्स फिनिशिंग करेंगे बैक में भी और फ्रंट में भी उसके बाद आप क्या करेंगे शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद नीचे की ज्वाइंट्स करेंगे और मेरे ख्याल से जैकेट इज द वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट पैटर्न इन स्टिचिंग कितने स्टेप में हम लोग कंप्लीट किए सबसे पहले हमने पाइपिंग लगाई फॉर फ्रंट फ्रंट स्टिच फर्स्ट स्टेप क्लियर है दोनों फ्रंट कटिंग इसको सेंटर कटिंग कर लेना करवाया था ना फर्स्ट वाले में याद है इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार सीख रहे हो फटाफट काटो दिखाओ जल्दी से फैब्रिक प्रेस होना चाहिए फरीन ये चुंगड़ा चिंगड़ी वाला पैटर्न नहीं चलेगा एडी में पहले बोल दिया फैब्रिक प्रेस किया होना जब भी स्टिचिंग और कटिंग की क्लास होगी ये क्या ये चुंगड़ा चुंगड़ी है देखो कितना प्रेस किया हुआ है जब मैं सिखाने के लिए इतना परफेक्शन लाती हूँ आप लोग क्यों इस तरह से लेजी पंती करते हो दूसरे चैनल में जाके सीखो जो फ्री में सिखाते हैं
एक कंस्ट्रक्शन लाइन बोला नहीं गया किसी से? इतने पीसेस होंगे, ध्यान से देखो, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पीसेस नहीं होंगे आपके जैकेट्स के लिए, चाहे आप बड़े पैटर्न में कटिंग करो या स्मॉल पैटर्न में कटिंग करो। और अगर आपको आर्म में लगाने हैं स्लीव्स तो आप स्लीव्स कटिंग करोगे, और पाइपिंग लगाना है तो पाइपिंग कटिंग करोगे जिसकी चौड़ाई होगी 1 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी लोगे जितनी रिक्वायरमेंट है। अब अच्छे से डांट खाने वाले हो तुम लोग, बहुत लेजी बेजी हो गए हो। कोई डाउट हो तो क्लियर करो। और किसका सबसे जल्दी कटिंग होता है दिखाओ जल्दी, अभी तक छोटा सा पैटर्न कटिंग नहीं हुआ है, 45 मिनट्स कंप्लीट हो गया। कौन दिखाएगा नाम बताओ उसको, पहले मेन स्क्रीन पे लाती हूँ। कौन दिखा रहा है पैटर्न, कौन दिखा रहा है किसकी कटिंग हुई पैटर्न की? आराधना, सेंटर कट करो, सेंटर कट करो, सेंटर कट करो। और मैंने 2 सेंटीमीटर डाउन लिया है फ्रंट के लिए, तुम्हारा 1 किसे भी कम लग रहा है। 2 सेंटीमीटर डाउन लो, स्ट्रेट नापो, मेरे सामने नापो, मेरे सामने नापो, कम है 2 सेंटीमीटर से। तुम लोग की टीचर हो ना, एक एक पॉइंट कभी मेरे को नजर आ जाता है। क्या है इसमें नापोगी क्या? स्केल लो, स्केल लो। दिखाओ कितने पॉइंट का डिफरेंसेस है आराधना। वन सेकंड, वन सबके टेबल में ये मेरे जैसे सेटअप होना चाहिए, जैसे मेरा सेटअप है, जैसे स्मिता ने सेटअप किया हुआ है। सारे स्टूडेंट देखो मुझे, इधर देखो, इस तरह से सेटअप होना चाहिए ओवरऑल पैटर्न। देखो इस तरह से सेटअप करो, बैक बैक बॉडी पैनल, फ्रंट बॉडी पैनल, एंड देन स्ट्रिप फॉर द पाइपिंग। देखो इतना नीट एंड क्लीन आपका टेबल होना चाहिए और पूरी क्लियर होना चाहिए, ताकि स्टिचिंग करते समय आप आराम से सेट कर सको। क्लियर है? ओके। किसी का पैटर्न छोटा नहीं होना चाहिए। बिनीता, पैटर्न की लेंथ कितनी है मैम? कौन बताएगा पैटर्न? 3 सेंटीमीटर है मैम। क्या मैम? 2 सेंटीमीटर ही है मैम। शोल्डर को शेप दो पहले, तभी तुम्हारा छोटा दिख रहा है। शोल्डर शेप दो डाउन जाके, हाफ सेंटीमीटर शोल्डर डाउन लो आराधना, तब उसके बाद उसकी लेंथ प्रॉपर नजर आएगी। वेरी गुड स्मिता, एंड टेक द मार्किंग ऑन द फैब्रिक। स्मिता मैंने मार्किंग दे दो डार्ट्स की, डार्ट्स की मार्किंग। डार्ट कैसे लेना है पिछले वाले क्लास में मैंने समझाया था। ये किसका है? फरीन कादरी का है। हाँ ठीक है फरीन, शोल्डर को शेप दो थोड़ा सा, हाफ सेंटीमीटर डाउन जाके शोल्डर शेप दोगे तो फिर उसका सही से आएगा।
ज्वाइंट कैसे करना है वो कौन बताएगा मुझे, मैंने अभी समझाया ना, शाम तक मुझे ये रेडी चाहिए और सारे फोटो खींच के भेज देना। ज्वाइंट कैसे करना है, फर्स्ट अपना फ्रंट पैनल पे, फ्रंट बॉडी पैनल पे स्ट्रिप लगा के फिनिशिंग देनी है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है फरीन। उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करोगे, उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करोगे, उसके बाद आर्म होल में पाइपिंग दोगे, उसके बाद साइड ज्वाइन करोगे, लेकिन साइड ज्वाइन करने से पहले आप टक्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद टक्स लगने के बाद फिर नीचे पाइपिंग दोगे इस साइड में डाउन में, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो, दो मिनट में ना क्लास चला जाएगा। बड़ा पैटर्न भी करना है? हाँ, बड़ा पैटर्न भी करना है। कौन से फैब्रिक, कॉटन में करना? कॉटन, कॉटन इज द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में सारे जैकेट पहन के आएंगे अपना कटिंग किया हुआ। नेक्स्ट क्लास कब ले रही हूँ मैं? मंडे। और कितना फैब्रिक लगेगा इसके लिए? 1.5 meter फैब्रिक इज इनफ फॉर दैट, ठीक है। सारे स्टूडेंट जैकेट पहनेंगे अपना स्टिच किया हुआ नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है आराधना? एंड वेल ड्रेस्ड होके आएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। क्या हुआ आराधना, ऐसे ताक रही है? स्टिचिंग कर ले मैम, कर लेते मैम, अभी लाइट नहीं है। तो छोटा पैटर्न कटिंग कर ले फैब्रिक में, दोनों पैटर्न स्टिच कर लेना एक साथ, और थोड़ा तरीका का फैब्रिक ले, जोगी बाबा कलर ले लिया तू है, लाइट शेड लिया करो पैटर्न के लिए। मतलब इधर आराधना को ना फूल दिखता रहता है ना ऑरेंज कलर का, तो इसीलिए ना उठा के फैब्रिक ले आई है ऑरेंज कलर का। सारा मैम तो येलो येलो पहनती है हमेशा। मैम मैं भी येलो येलो ही पहनती हूँ, तो इसलिए येलो येलो ही फैब्रिक है ज्यादा। I love you.